व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक माय अदर वीडियो। दोस्तों, एक और मजे का व्लॉग लेके मैं दोबारा हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, हमारे कबूतर भोर पहले से ही खुले हुए थे, मेरे ख्याल से कोई खोल के गया बच्चा चच्चा, और कुछ कबूतर तो ऊपर भी उड़े। वो ये इसको कबूतर क्या हुआ है? ये दोनों क्या कर रहे हैं आपस में? लगता है उसे चोट लगी, वो उसकी मरहम पट्टी कर रहे। वो तो सही है। और हमारे ये जो काला जिसके हेयर स्टाइल बड़ा कमाल है, ये रहा, ये अंदर घुस रहा है। ये सारे कबूतर खुले हुए, कुछ कबूतर नहीं खुले हुए क्योंकि वो बहुत लड़ते हैं इस वजह से। और यहाँ पे इन्हें, उसको तो वो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, वो नहा के आया मेरे ख्याल से। हाँ, वो धूप में धूप सेक रहा था के। वो ये हमारा कबूतर उड़ा यार, ये किसने उड़ा दिया? आ जा बेटा, आ जा आ जा, सोलर प्लेटें लगी हुई दही घर है हमारा। हाँ, यहीं पे आ गया। चलो शुक्र है आ तो गया, वहाँ तो और कबूतर तो नहीं उड़े। और इन दोनों को देखो, ये जहाँ पे भी जाते साथ ही जाते हैं, हर जगह इसके पीछे पीछे रहते हैं हमेशा। ये देखो चोंच मार रहा है। चलो ये लड़ते रहे, खेलते रहे आपस में। ओ, वो मिट्टी खा रहा है। मिट्टी नहीं खानी चाहिए इनको, मैं तो बीमार हो जाते हैं बच्चा, इस वजह से पता नहीं। ओए मिट्टी नहीं खाई, ओए ओए चल इधर, चलो इधर चलो, मिट्टी नहीं खानी। और अंदर क्या कर रहे हो छुपे हुए? चलो रुको, मैं अभी लेके आया दाना दूना और पानी पुनी। दोस्तों, आज इन कबूतरों को हम खाना बाहर खिलाएंगे, इसलिए मैं इधर यहाँ पे दाने छाने रख देता हूँ और यहाँ पे पानी छानी भी रख देता ताकि खाना पीने सब कुछ पिए। और ये दोनों को देखो, ये मजना लैलू लैला है, दोनों एक दूसरे के साथ बिना रह नहीं सकते। चलो भाई, ये परात आ गई इनके लिए, और ये पानी हमने पहले ही रखा हुआ था भर के, इसको हम भर लेते हैं और ताकि ये नहा ले। ये देखो इन दोनों को देखो, ये आपस में खेलते रहते और किसके साथ इनकी बनती नहीं है। आजो आलो बालो, दूध वाला आया है, आजो आलो बालो। वो देख रहे ये कर क्या रहा है। और कुछ कबूतर हमारे इधर भी खेल रहे हैं, वो फिर से मिट्टी खाने लग गया। इसको भगाना पड़ेगा, नीचे बैठ के मिट्टी खा रहा है। निकलो बाहर, इनको लिए दाना भी रख देता हूँ। इसको तो लगता है बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इसलिए यहाँ पे आ गया। और ये लो बेटा, ये लो आलो बालो। अंदर वाले तो पागल हो गए, वो कह रहे बाहर वालों के साथ हो रहा है खाना डाल रहे हो, अंदर वालों के साथ ना इंसाफी। इनको भी डालना पड़ेगा क्योंकि अंदर भी हमारे पास छोटे छोटे चूजे वगैरह हैं कबूतरों के, वो जो भूखे रहते हैं इसी वजह से। बस इनको थोड़ा बहुत ही डाल दें, तो बाकी डाल दिया था हमने पहले ही। देखो कैसे खा रहे हैं, और अंदर वाले को देखो क्या हालत बुरी हुई है। एक डिश यहाँ से उठा लेते, तो अंदर रख देता हूँ क्योंकि अंदर कोई डिश नहीं है, और डिश के बिना खाना बुरी बात होती है। ओए चलो बच्चों, इसका ताला खोलना पड़ेगा पहले। बाहर निकलने की कोशिश नहीं करनी, अंदर ही तुम्हें मिलेगा सब कुछ। ये डिश रख दी, कैसे आ गए। और ये लो बस, इस चूजे को देखो, चूजा भी फ्री फंड में फट रहा है। तू अंदर क्या करने जा रहा है? बाहर मेला बता, इतना सारा खाना। वो देखो पानी में नहाने लगे, वो देखो मजना लैला को। इन दोनों की तो लव स्टोरी लग रही है, ये चेक कर। वो उसे प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा, वो एटीट्यूड दिखा रही लड़की से। छोड़ो उसे, यहाँ पे देखो खाने के ऊपर टूट पड़े ये सारे, और अंदर भी खाने पर टूट पड़े। दोस्तों, हमने अंदर वाले कबूतर को भी डांट डाल दिया और बाहर वाले कबूतर को भी डांट डाल दिया, और जो हमारे कबूतर उड़ रहे थे वो दाने को देख के वापसी नीचे आ गए, और भी उड़ रहे थे। और इसको देखो लगता है बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। और भाई तू नहा ले ना, तेरे लिए रखा है इतना बड़ा स्विमिंग पूल मैंने बना दिया है कबूतरों वाला, तो नहा लो। ये लोग तो भूखड़ हुए हुए काफ़ी, इन्हें जितना मर्ज़ी खाना डाल लो, इनकी भूख ख़त्म नहीं होती, इन्हें जितना मर्ज़ी खाना डाल लो। और ये तो खो, इसको प्यास लग रही काफ़ी ज़्यादा, इसलिए ऐसे अब चोर छिला रहा है। गर्मी इतनी हो रही है, इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एसी भी लगा दूँ। एसी लगा हुआ तो ये चिल माहौल में रहेगा और इन्हें कोई टेंशन ही नहीं होगी, सर्दी नहीं लगेगी इधर। फिर ये ना हो आलसी हो जाए, उड़े ही ना। यार इस काले कबूतर को तो पकड़ना चाहिए, इसके बाल तो देखूँ मैं। उड़ियो ना उड़ियो ना, लगता है इसने सुन लिया मेरी बात, इसलिए जो उधर देख रहा है। चलो अच्छा खा लो, पहले खा लो, आ जा तू भी आ जा नीचे। ये सब कुछ ज़्यादा ही सर्दी लग गई है, गर्मी लग गई है, ओ सर्दी लग गई है, इसलिए यहाँ पे आ गया।
वाला कबूतर धूप सेक रहा है। वाह, ऑस्ट्रेलिया से आए लगता है ये धूप सेकने यहाँ पे पाकिस्तान से। यहाँ पे लोगों को गर्मी लग रही है, कबूतरों को गर्मी लग रही है और इसे सर्दी लग रही है। तेज कबूतर के ऊपर ये नहा रहा है और नहा के धूप में बैठ गया। वाह, सनराइज कर रहा है ये तो। ऐसे तो भारू मालिक के लोग करते हैं, जैसे ये कर रहे हैं। लगता है भारू मालिक से नहीं आया ये कबूतर। वो देखो सारे कबूतर वहां से यहाँ आ गए और इसे को देखो, इसको इतनी सर्दी लग रही है कि ऐसे सर्दी खाई जा रही है, गर्मी में रह रहा है इस कबूतर को। उसे बाल भी ऐसे हुए नहा के आया ना, इस वजह से। इन दोनों का सही है, जहाँ पे भी जाए जो मर्जी हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, इन दोनों। दोस्तों कबूतरों के लिए हमने पानी का जो स्विमिंग पूल बनाया था वो उसके पानी को पी भी ले और नहा भी ले ताके। तो दोस्तों उन लोगों ने पीना भी स्टार्ट कर दिया और नहाना भी, देख सकते हो। देखो इसको ये लोग पी भी रहे और नहा भी रहे हैं। अगर मैं इसके ज़्यादा करीब जाऊँगा तो ये डर जाएंगे और भाग जाएंगे, इसलिए इनको इंजॉयमेंट करना है तो वो भी हम दूर से शूट करते रहते हैं। ये देखो, और पहले डर के भाग गया। जिसको ज़्यादा गर्मी लगे मैंने उसके लिए ये रखा है। लगता है पानी कम हो गया और पानी भर ले, तो इसके अंदर पहले भरता हूँ पानी और फिर इसमें डालता हूँ, वो भी ठंडा ठंडा पानी। इन दोनों का सही है यार, कुछ भी है। दोस्तों ये पानी हमने भर लिया है, अब हम जाते हैं जो डालते हैं इन्हें। इन्हें दिखा कर डालूँ ताकि ये आ जाए, अट्रैक्टिव हो। और जब ये कबूतर खुश होते हैं तो ऐसी आवाज़ें निकालते ज़्यादातर। यार एक काम कर, तो अंदर वालों को भी बाहर निकाल दे, तो क्योंकि अंदर भी तो पानी नहीं है ना, क्या पता इन्हें प्यास लग रही हो, इसलिए इसको रखता हूँ यहाँ पर और अंदर वालों को भी निकाल देता हूँ। आ जाओ भाई और बहनों, आ जाओ निकलो बाहर, कम हेयर कम फास्ट। और कुछ अंदर भाग रहे और कुछ बाहर आ रहे। अरे पानी पी रहे थे, प्यासे थे ना, इस वजह से नहीं आ पा रहे थे। अरे भाई साहब क्या बात है, कबूतरों ने तो सच में स्विमिंग पूल बना दिया। इनके लिए तो टिकट टिकट लगानी चाहिए हमें। चेक करो, पहले एक गया फिर दूसरा गया, आप देखो दो दो एक ही पूल में। वाह क्या बात है, इनके लिए तो वो गाना होना चाहिए, हाय गर्मी। और देखो तीसरा भी आ गया, क्या बात है क्या बात है। दूसरा पानी पी रहा है, वाह क्या गोते लगा रही है। पानी वैसे कम है, इनके लिए कुछ ज़्यादा बड़ा बर्तन होना चाहिए इनको नहलाने के लिए। ये सही गोते मारे, जैसे बतख नीचे गोता लगाती है और फिर बाहर निकलती है, वैसा होना चाहिए। लेकिन अरे यार मेरी वजह से डर गए और निकल गए बाहर, और कोई एक कबूतर तोड़ भी गए। डरते भी है यार बहुत, हालांकि मैं इन्हें रोज़ डालता हूँ खाना डालने, लेकिन फिर भी डरते रहते हैं ऐसे, पता नहीं क्या बात है। वो देखो चलो इग्नोर करो इनको, देखो ओ चूजा भी आ गया बाहर। हेलो चूजे, अच्छा वो डर के मारे निकल गया, आ गया ये काला। उन्होंने कहा ये तो अपना ही बंदा है, नहारो नहाओ जो मर्जी करो, इसने तो लगाया स्विमिंग पूल, इसने पहचान लिया लगता है काले कबूतर ने। काले कबूतर वैसे उसकी याददाश्त अच्छी है, उसने पहचान लिया ये आता है बंदा रोज। चलो आगे और आगे, चार हो गए दोस्तों इसके अंदर नहा रहे। ये छोटा है इसके लिए हम ये रख सकते हैं, नहीं ये भी गहरा है लेकिन वो नहीं छोड़ा। तीन की ही जगह है इसमें नहाने के लिए, गोते लगाने के लिए। ये पानी गंदा हो गया, पीने के काबिल नहीं है इनके। ये नहा ले फिर चेंज कर देता हूँ, बाकी तो उधर जा रहे नहाने, उधर थोड़ा पानी लीक हो रहा था। और कुछ अंदर है कबूतर भी। दोस्तों ये कौन सा तरीका है, ये देखो ये यहाँ पे नहा रहे, नहाने के बाद वो उधर धूप सेक रहे, क्या बात है। इतनी सर्दी लग जाती है नहाने के बाद में, आज पता चल रहा है उसकी तो गर्मी सर्दी अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रही उस बंदे की, वो जो पीछे बंदा नहीं उस कबूतर की सर्दी नहीं ख़त्म हो रही, कब से बैठा हुआ यार वो एंड वाला। और बाकी जो नहा के आए वो भी आके धूप सेकनी, इतनी तेज़ धूप है यार, खड़े नहीं हो जा रहा ये, नहा नहा के आ जा रहे, बीमार ना हो जाए। पता नहीं ये सही है या करना या नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है। ना ना के उधर जा रहे गर्मी में, वो झाड़ है अपने आप को, वो अच्छा लग रहा है, शरीफ बंदा है लग रहा है, वो उसे समझ रहा है मेरे ख्याल से। वो नहा के सिर्फ साइड पे हट गया, वो उसकी तरह पागल की तरह उन दोनों तीनों की तरह नहीं गया धूप में। ये वो वाला कबूतर, ये वाला कबूतर, ये जो कबूतर है ये जो नहा के आए ये। और इनकी अभी पूल पार्टी चल रही है, जा रही है,
मैं तो सारा दाना भी गीला कर दिया यार। कोई नहीं, धूप तेज हो जाएगा खुशक भी। और ये बाकी मिट्टी खा रहे हो, तुम्हारी तो इसलिए लगता है तुम्हें निकाला नहीं था बाहर। चलो मिट्टी खा रहे हो, मिट्टी खा रहे हो, मिट्टी 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 खा रहे हो। खाने की चीज़ तो खाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम करो अपनी पार्टी। दोस्तों आपको मेरा व्लॉग इतना से भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके जाना मेरे इस व्लॉग को। फिर मिलते हैं नए व्लॉग पे और नई स्टोरी पे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।